कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्यूचर में सभी जेल का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाएगा और वो पैसों के लिए अपने कैदियों की जान भी दांव पर लगा देती हैं। उन्हीं में से एक है टर्मिनल आइलैंड का जेल, जहां पर वो कैदियों से डेथ रेस करवाती हैं और दुनिया भर के लोग इसे चाव से देखते थे। सभी कैदी अपनी पूरी जान लगाकर इस रेस को जीतने की कोशिश करता था, क्योंकि जो भी 5 बार जीत गया उसे रिहा कर दिया जाएगा। आज की रेस में सिर्फ 2 गाड़ियां बची थी, एक में नकाबपोश फ्रैंकस्टाइन और उसकी नेविगेटर केस थी, और दूसरी में फ्रैंक का सबसे पुराना दुश्मन जो रेस जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ियों ने बंद कर दिया हथियार का काम करना, और फिर फ्रैंक ने केस को गाड़ी से निकल जाने को कहा पैरासूट के जरिए। आखिरकार जो ने फ्रैंकी की गाड़ी में जोरदार हमला कर धमाका कर दिया। इसके बाद हम जेनसन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो पहले जेल में रह चुका था लेकिन अब गाड़ी चलाता था। रात को आकर वो अपनी पत्नी से मिला, फिर अपनी नन्ही बेटी को देखने गया। तभी वहां पर एक नकाबपोश आदमी ने आकर उसकी पत्नी को जान से मार डाला। जब जेनसन वहां पर आया तो उसे भी उसने बेहोश कर दिया और कत्ल का जो हथियार था उसके हाथ में रखकर बंदूक का इशारा कर वहां से चला गया। और जब उसकी आंख खुली तो पुलिस वालों ने उसकी पत्नी की कत्ल में उसे गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने बाद जेनसन टर्मिनल जेल में पहुंचा। उसे जेल की वार्डन हेनेसी के पास बुलाया गया। वो जानती थी कि जेनसन एक बेहतरीन ड्राइवर है, इसीलिए उसने जेनसन को नया फ्रैंकस्टाइन बनने का ऑफर दिया। दरअसल पिछली हुई रेस में असली वाले फ्रैंकस्टाइन की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। देश भर के लोग फ्रैंक को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए उनकी रेस की टीआरपी बहुत ऊपर रहती थी, लेकिन अगर ये खबर फैल गई कि फ्रैंक मर चुका है तो उन्हें भारी नुकसान होगा। इसीलिए जेनसन को मास्क पहनकर अगला फ्रैंक बनना होगा। नियमों के अनुसार 5 रेस जीतने पर कैदी निहा हो जाएगा, और फ्रैंक पहले तो 4 रेस जीत ही चुका था, तो जेनसन के पास भी अच्छा मौका था बस 1 रेस जीतना, उसके बाद फ्री। जेनसन अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन हेनेसी ने उसे बताया कि देखो, अगर तुम रेस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम जेल में ही पड़े रहे तो तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा, वो बिना माँ बाप के ही पड़ी रहेगी। हेनेसी की ये बात सुनकर जेनसन फ्रैंक बनकर रेस करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जेनसन की मुदाबाक कूच और उसके आदमियों से हुई, जो फ्रैंकस्टाइन की गाड़ी को संभालते थे। इसी तरह हर टीम का एक अलग इलाका था। वहीं एक जगह थी जहां हेनेसी कई महीनों से कुछ बड़ा तैयार कर रही थी। अब जेनसन फ्रैंक की जगह आया था, ये बात सिर्फ उन्हीं की टीम को पता थी। अब उसे बताया जाता है कि इसमें कई सारे हाईटेक हथियार हैं, लेकिन ये केवल रेस के दिन ही एक्टिवेट होंगे। इस जेल से भागना भी नामुमकिन था, क्योंकि आइलैंड पर थी ये जेल, जहाँ से भागने के लिए एक छोटे से पुल से होकर जाना पड़ता था, और अगर कोई भागने की कोशिश भी करता तो पुलिस और जेल के हेलीकॉप्टर उसे तुरंत धर दबोच लेते। उसकी टीम उसे बताती है कि रेस में 3 पड़ाव होंगे। पहले 2 में वो जितने कैदियों को मार सके उतने को मार दे, और उसके बाद लास्ट पड़ाव में उसे जितना तेज हो सके उतना तेज गाड़ी चलाकर जीतना होगा। हर खिलाड़ी के साथ एक लड़की नेविगेटर का काम करेगी। इसके बाद हम जो और बाकी खिलाड़ियों को भी देखते हैं। तभी जो आकर वहाँ कहता है कि ये मुकाबला केवल फ्रैंक और उसके बीच में ही है। उसी वक्त फेक फ्रैंक की नजर कुछ लोगों पर पड़ी जिनके पास GPS डिवाइस था। उसे याद आया कि ये तो वही डिवाइस है जो कि उसने अपनी पत्नी के कातिल के हाथ पर देखा था। अब ये साफ हो चुका था कि उसे किसी साजिश के तहत यहाँ बुलाया गया है। आखिरकार फिर पहले पड़ाव का दिन आया और जेनसन को फ्रैंक का मास्क और कपड़े दिए गए। उसके लौटते ही डेथ रेस की मशहूरी आसमान छूने लगी। कोच ने उसे दूसरे खिलाड़ियों से बात करने से मना किया, क्योंकि फ्रैंक ऐसा कभी नहीं करता था। इसके बाद गाड़ी में जेनसन ने अपना मास्क उतार दिया, क्योंकि बाहर से उन्हें कोई देख नहीं सकता था, और केस भी उसका राज जानती ही थी। अब पहले पड़ाव में सभी खिलाड़ी एक दूसरे की गाड़ी को गिराने के लिए शुरू हो गए, लेकिन जेनसन केस की मदद से जो के साथ सबसे आगे पहुंच गया। फिर केस ने उसे एक शॉर्टकट बताया जिसकी मदद से वो पहले नंबर पर आ गया, जिसके बाद खिलाड़ियों पर तलवार और ढाल के नियम लागू कर दिए गए। जिस खिलाड़ी की गाड़ी निशान से गुजरेगी उसके हथियार एक्टिवेट हो जाएंगे। जल्दी खिलाड़ी ट्रैक पर गोलीबारी करने लगे। इसके बाद हेनेसी ने डेथ हेड्स भी चालू कर दिए, यानी कि जिसकी गाड़ी वहां से गुजरेगी वो तुरंत ही मारा जाएगा। इसके बाद जेनसन ने अपने हथियार चालू कर लिए, लेकिन मशीन गन फिर भी काम नहीं कर रही थी। तभी केस ऊपर चढ़कर उसे ठीक करने लगी, तभी चारों तरफ से उस पर गोलियां बरसने लगी।
लेकिन जेनसन ने उसे जबरदस्त तरीके से गाड़ी मोड़कर बचा लिया। जेनसन ने गाड़ी की शील्ड को एक्टिवेट किया लेकिन वो ज्यादा देर तक गोलियों की बौछार को रोक नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने धमाका करकर गोल्ड की भी गाड़ी उड़ा दी। उसके बाद फिर से जेनसन का मुकाबला जो के साथ हुआ। उसके बाद बचेंको नाम के एक प्लेयर ने आकर उसके सामने वही बंदूक का इशारा किया जो उसकी पत्नी के कातिल ने किया था, जिसकी वजह से जेनसन का ध्यान भटक गया और पेचेंको ये पड़ाव जीत गया। अब तक 3 खिलाड़ी मर चुके थे और दूसरे पड़ाव में 6 खिलाड़ी पहुंचे। इसके बाद कोच ने जब गाड़ी की जांच की तो सभी चीजें ठीक थीं, लेकिन फिर रेस में ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुई। उसके बाद वो हेनेसी के पास पहुंचा और बताया कि मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी को पेचेंको ने ही मारा है, लेकिन ये सब हेनेसी का ही प्लान था ताकि जेनसन को फ्रैंक बनाकर रेस में लाया जा सके। लेकिन ये सब सुनकर हेनेसी ने फिर भी सच्चाई कबूल नहीं की और उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाकर धमका दिया। बेचारा जेनसन उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था तो उसे पेचेंको दिखाई दिया। जेनसन भी उसके पीछे उसके इलाकों तक पहुंच गया, लेकिन तभी पेचेंको की टीम ने उसे पकड़ लिया। पेचेंको ने उसे बुरी तरह पीटा और हथौड़े से वो उसका सर फोड़ने ही वाला था। तभी जेनसन की टीम के एक आदमी ने आकर उनका ध्यान भटका दिया और जेनसन ने मौका पाकर उन पर हमला बोल दिया और सबकी हड्डी पसली एक कर अंत में उसने पेचेंको को पकड़ा। आखिर में पेचेंको ने सच उगल दिया कि हेनेसी ने ही उसकी पत्नी को मारने के लिए उसे भेजा था। जेनसन उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी पुलिस वाले अर्लिक ने आकर उसे रोक दिया। अगले दिन फिर रेस का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ और पेचेंको ने उसे फिर से वही इशारा करकर चिढ़ाया, लेकिन इस बार वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और रेस शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे चलता रहा और उसने पूछा केस से कि क्या उसी ने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि 2 दिन से उसकी गाड़ी के कोई भी हथियार एक्टिवेट नहीं हो रहे थे या फिर जॉन ने उसकी गाड़ी पर हमला करने की धमकी दी थी। तब केस ने सच उगला कि हेनेसी के कहने पर ही केस ने उसकी गाड़ी के सारी डिवाइसेस को अनलॉक नहीं होने दिया। हेनेसी नहीं चाहती थी कि वो जीत सके, लेकिन उनका प्लान उसको मारने का भी नहीं था, वो तो खुद जीतने के चक्कर में मारा गया। इस बार उसका टक्कर था पेचेंको के साथ और उसने उससे आगे निकलकर अपने हथियार को एक्टिवेट किया, लेकिन सबने सोचा कि हथियार तो आगे की तरफ है, वो उसे यूज कैसे करेगा। लेकिन जेनसन ने अपने मन में बोला, मैं तो फिल्म का हीरो हूँ, और ये कहकर उसने जबरदस्त तरीके से अपनी गाड़ी घुमा दी और उल्टी गाड़ी चलाकर उसने धड़ाधड़ पेचेंको पर गोलियां चला दी। फिर आगे बढ़कर उसने धुआं छोड़ दिया अपनी गाड़ी से, जिसकी वजह से पेचेंको की जो गाड़ी थी वो क्रैश हो गई और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरा और पेचेंको की गर्दन मोड़ी और अपनी पतली की मौत का बदला लिया। अब रेस में जेनसन और जो की टक्कर थी, तभी हेनेसी ने अपना राज खोला जो कि इतना दिन से वो तैयार कर रही थी। वो दरअसल एक हथियार भरा ट्रक था जिसने आते ही 2 लोगों को उड़ा दिया। फिर उसने आगे बढ़कर पल भर में एक और खिलाड़ी की गाड़ी को राख कर दिया। अब हेनेसी का निशाना जो और हेनसन पर था, जिससे बचने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी, जिसके लिए वॉकी टॉकी से जेनसन ने जो से बात की और जो भी इसके लिए तैयार हो गया। अब उन दोनों ने एक साथ मिलकर ट्रक को टक्कर मारनी शुरू की और फिर डेथ हेड के साइन को क्रॉस किया, जिसकी वजह से वो ट्रक बुरी तरह कुचला गया और आखिरकार दूसरा पड़ाव भी खत्म हुआ। और फिर हेनेसी और अल्रिक ने ये फैसला किया कि उन्हें जेनसन को रास्ते से हटाना होगा ताकि वो रिहा ना हो सके। इसीलिए रेस शुरू होने से पहले अल्रिक ने उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब लगा दिया था। जेनसन जानता था कि कोई भी आज तक जेल से जीत कर रिहा नहीं हुआ, इसीलिए उसे भी वो लोग जीतने तो नहीं देंगे। जेनसन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी टीम से कहकर गाड़ी का रिजर्व टैंक तेल से भरवा दिया। उसके बाद हेनेसी ने आकर उसे रिहाई के कागज दिए, कहा कि अगर जेनसन जीतता भी है तब भी उसे फ्रैंक बनकर यहाँ रहना चाहिए। जेनसन ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया और जेब में वो कागज रखकर चला गया। जब वो गाड़ी में बैठा तो केस ने कहा कि उसने बोला है कि जेनसन को नहीं जीतने देना है, लेकिन इससे भी जेनसन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अल्रिक ने केवल जो के हथियार को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से उस पर फिर से बौछारे होने लगी गोलियों की, जिससे जो ने भी उस पर कई सारे रॉकेट छोड़े, लेकिन जेनसन ने किसी तरह गाड़ी घुमा दी और वो रॉकेट जाकर दीवार को लगे। दरअसल उन दोनों ने ही रॉकेट का निशाना एक ही जगह लगाया था, जिसकी वजह से वो दीवार टूट गई और वो दोनों वहां से भागने लगे। जैसे ही हेनेसी ने ये देखा, पुलिस को उनके पीछे लगा दिया
और जेनसन की गाड़ी के बॉम्ब का बटन दबा दिया, लेकिन ये क्या कोई धमाका तो हुआ ही नहीं। असल में कोच ने पहले ही गाड़ी से बॉम्ब को निकाल दिया था। उधर जो और जेनसन पुल के नजदीक पहुंचे, लेकिन पुलिस भी नजदीक आती जा रही थी। अब जेनसन ने प्लान की अगली शुरुआत की। उसने रिजर्व टैंक का सारा पेट्रोल रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और सारी गाड़ियां वहीं रुक गईं। और फिर उन दोनों ने पुल पार कर अलग अलग रास्ते पकड़ लिए और सारे हेलीकॉप्टर जेनसन का पीछा करने लगे। अब केस ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि हेनेसी ने उसको भी रिहाई के कागज दे दिए थे। जब एक अंधेरी जगह आई तो जेनसन उससे कूद कर एक जगह छुप गया और उसकी जगह केस ने ले ली। फिर जब हेलीकॉप्टर ने उसके आगे एक आग की दीवार खड़ी कर दी तो उसे सरेंडर करना पड़ा, लेकिन तब तक उसने फ्रैंक के कपड़े और मास्क पहन लिया था। पुलिस वाले बिना उसे कुछ बताए जेल में लेकर गए और जो और जेनसन जेल से भाग निकले। लेकिन फिर अर्लिक और हेनसन अपना जेल में अपनी खुशी मना रहे थे, क्योंकि वो जीत चुके थे। लेकिन तभी हेनेसी ने एक डब्बा खोला जिसमें वही बॉम्ब था। अब की बार कोच ने उसका बटन दबा दिया और वो दोनों वहीं मारे गए। 6 महीने बाद जो और जेनसन ने मिलकर अपने गाड़ियों की दुकान चलानी शुरू कर दी और जेनसन को भी अपनी बेटी वापस मिल गई थी। और आखिर में केस भी रिहा हो गई और अपनी एक नई गाड़ी लेकर उनसे मिलने आई। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।